नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम अलवर के समीप भानगढ़ फोर्ट में। तो यहाँ से मेन गेट से एंट्री होती है, उसके समीप ही एक हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर एंट्री होती है यहाँ से। आओ महाराज, एक दो तेरा फोन खोस ले, परे तो आ पकड़ कर आ दूर तक। चलो ये अभी का बना होगा, मैं तो पहले का तो नहीं हूं। चलो ज्यादा बढ़िया अच्छा अब हम दिखाते हैं कहाँ से ग्लोरी, कैसे ग्लोरी किया जाता है। देखिए, ऐसे ग्लोरीफाई होता है, सामने बोर्ड लगा है और उसके सामने ग्लोरीफाई किया जा रहा है। सीढ़ी देखो, कुछ अवशेष यहाँ पे। सीढ़ी के ऊपर स्लेब है और वही सेम डाट की आज से यहाँ पे देख, यहाँ पे बीच में वो रखी है कीस्टोन। और हाइट तो ज़्यादा नहीं लग रही इसको देखते हुए। कक्ष छोटे छोटे कक्ष है, सैनिकों के लिए हो गया, थोड़ा सा ही हो गया पहले से। इधर भी सेम उसी तरह के अवशेष है। जामुन ले लो, जामुन ले लो। ये तो पूरी एक सोसाइटी जैसे होती है ना, एक ही तरह के अवशेष हर तरफ। ये आर्च देखिए, पॉइंटेड आर्च। और हाँ ये देखो ना, उसके ऊपर लिंटल है, तो क्या इसके ऊपर भी लिंटल दिया गया होगा, क्योंकि आर्च तो वहाँ पर भी थी, खंडित हो रखी है, आर्च निकल गई, लिंटल बच गया ऊपर स्लेब। इसे देना चाहिए, इससे इससे लाभ होता है कि तोड़ना भंग नहीं होती। ये इधर देखो, ये पीछे की तरफ से सीढ़ियां हैं इसकी। इधर क्या है, प्लास्टर पुराना ही है ये। इस पे देखो ना, कभी ऐसे वाले ने ट्राई कर रखा हो? नहीं नहीं नहीं, इस पे देखो पुराना प्लास्टर है। और ये कोई मंदिर की संरचना लग रही है बीच में। या तो यहाँ पर कोई मंदिर रहा होगा या फिर कोई धार्मिक व्यक्ति यहाँ पर रहते होंगे प्रतिष्ठित।
अंदर भी है काफ़ी बड़ा कमरा और इधर से भी निकास की व्यवस्था है। चलिए कितना विशाल वृक्ष है, दूर दूर तक इसकी चटाई फैली हुई। ये जो बीच है ये बड़ा है, बाकी साइड वाले छोटे हैं और इनमें दो अर्थ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ नीचे तक खंडित था और ये कुछ बाद में बनाया गया है। आर्च कुछ नई नई सी लग रही है मुझे, पर आप क्या बोलते हैं इस बारे में? पुराना ही है या तो इस पे फिर लिपाई हुई है दोबारा? चलिए दुर्ग के अंदर चलते हैं। गेट तो ये बाद का लगा हुआ है कंफर्म। ये लट्ठे के लिए अट्ठाईस चौबीस इधर भी तो आपके तो ये एक ही चलता था यहाँ पे अनलॉक के लिए लट्ठा? हाँ है तो अर्थ, पर एक तो इतना बड़ा तलाने का लाभ क्या है? ये कौन सा मंदिर है? इसमें ऊपर जाने का मार्ग है। वो रहा है। ढक्कन तो दे दे। हाँ ना ढक्कन दे दे। वो बच्चा ले रहा है। साइड से लेयरिंग दें इसकी। चारों तरफ अवशेष ही अवशेष ले गए। देख ऐसा कुछ वहां भी था ना, उसमें उसके जो पिलर्स का बेस था एक ये था ऐसे और ये था। मोज़ेक देखो पुराने समय का, आज के समय जो टाइल्स आ रही ना मोज़ेक वाली, ये इसको पूरा कर रहा है। ये लोग पत्थर इसे पूरा, इसमें ढाई है
इसमें भी ढाई है। देख इसमें एक दो तीन चार, इसमें चार है। ये एक बड़े पिलर को बड़ा है काट कर, ये आधे आधे। ये किस चीज क्या करती है? वार्नर वैसे किल मंदिर के अंदर चल रहे थे। चश्मा भी लगाई रख साथ में, देख लगाई हूं क्या सन्नाटा पूरा देख। ये देख हां ये ले लो, आपको तो ताकत है ना, तो देखो क्या हुआ, क्या हो गया। लॉक सिस्टम पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए। स्तंभ पर घंटियां, बेल और ऊपर मनुष्य की आकृति। और ये पत्थर क्रैक है नीचे, इसको ये टूटा हुआ। ये ऐसे यहाँ लगा है क्यों? ये ऐसे टेटा लगा है क्यों यहाँ? इसके चारों तरफ होगा ये, नहीं चारों तरफ नहीं है, बाहर की उसके लिए। क्यों है उस तरफ भी? अच्छा इसलिए है, बाहर की बाउंड्री बना, बाहरी सुंदरता के लिए बाउंड्री बनाई है। और छत देखिए, लिंटल भी खंडित है भाई। छत देखो कितनी सुंदरता से इसको डिजाइन किया गया है, जिसके चारों तरफ अनेक देवों की प्रतिमाएं बनाई गई है। यहाँ चारों तरफ देवों की प्रतिमाएं, जो कि संगीत की धुन बजाते हुए, कोई देव ढोल बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है। ये देखिए चारों तरफ और मध्य में लाल पत्थर का प्रयोग, और उस पर उल्टा उल्टे कमल पुष्प, और बीच में कलश स्थापित है शायद। वो कोई गेंद है वहाँ पे, शायद वो चारों तरफ घूमती हो। यहाँ पर एक गेंद की तरह दिखाई दे रहा है। और देव प्रतिमा के नीचे भी काफी यहाँ पर जो चित्रकारी या वास्तुकला के, ये गोल छिद्र के होंगे इसमें।
क्या उनके अंदर भी कोई एकरी थी? देखो जानते हैं और इस तरफ सामने वाली दीवार पर अनेक देवों की प्रतिमाएं हैं और काला पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सामने श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए गौ के साथ में, गौ माता के साथ में, और उनके नीचे महादेव नंदी पर सवार, और इस तरफ गणपति देव विराजमान हैं और उनके ऊपर भी श्री कृष्ण जी की प्रतिमा, और यहाँ पर भी अनेकों देव और नीचे फर्श पर शंख। इसके साइड में क्या है? पुष्प। ये कैसा पुष्प? शंख की आकृति। यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, छोटी है, छोटी लग रही है, छोटी है क्या? पक्का ये चवर ही है? ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। कोई हथियार तो नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आकृति देखोगे हथियारों के साथ में नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं उनके साथ में है। ये तालपुरा है, हो सकता है, क्योंकि आप ऊपर देखिए सारी मूर्ति जितनी भी है यहाँ पर सभी जो संगीत के जो वाद्य यंत्र है उनके साथ में है। यानी जिन्होंने बनवाया वो संगीत प्रिय थे, संगीत प्रेमी थे। बिल्कुल। और मध्य में भी गणेश विराजमान है और उनके ऊपर पूरा संगीत में वातावरण ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई है छोटी छोटी, और उसके ऊपर लाल पत्थर से देव प्रतिमा है। ये महादेव, ये त्रिशूल है। बिल्कुल। गोदी में नंदी पर सवार, ये पार्वती और ये शिव जी का याद होगा। ये क्या है? सर्प है। ये सर्प है। ये सर्प कहाँ पर गया हुआ है? ये हाथ में है क्या? ऐसे है ना, हाथ में है ना ये सर्प शायद, और इधर ऐसे फन रहा होगा ऊपर इसका सर्प। चलिए चलते हैं। ये कौन है? ये पढ़िए आप। संवत दीपावली या सत्र संस्कृत का वो है इसमें। हाँ
ये ग्रेनाइट है, काला पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं, सबसे हार्ड होते हैं पत्थर, और उस पर भी शिल्पकारी की। यहाँ पर हाथी की प्रतिमा थी, देखो ये बेल से बांधा हुआ थी, हाथी को बांध के रखने के लिए उसके पैर में एक ये बेल बांध जाती थी। हाथी इसको तोड़ सकता है, बिल्कुल इतनी पावर है उसमें, पर वो जन्म से उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बांध के रखा जाता है। जब वो छोटा होता है तो उसको तोड़ नहीं पाता, तो उसके मन में बैठ जाता है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊँगा, तो बाद में फिर उसको प्रयास नहीं करता। हाथियों का द्वंद्व, यहाँ पर ये जो गर्भगृह है शायद उसके पानी की निकासी के लिए बनाया गया है। चलिए चलते आगे इधर से।